नमस्कार दोस्तों, जिस भी कैंडिडेट ने ग्रुप डी का एग्जाम दिए हैं और जिसका 70 नंबर प्लस आ रहा है, वो जरूर है पीटी के लिए सोच रहे होंगे और पीटी के लिए बहुत गए भी होंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको यहां पर अलर्ट करेंगे, हम आपके लिए ये वीडियो खास लेकर के आए हैं। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो ऐसा गलती नहीं करना है जिससे आपका रिजल्ट रुक जाए, रिजल्ट खराब हो जाए। इसलिए दोस्तों, हम आपको बताएंगे कैसे पीटी को क्रैक करना है। दोस्तों, अगर किसी भी काम को आप, अगर शरीर आपका अच्छा खासा है, तंदुरुस्त है, आपको ऐसा लग रहा है कि हम एग्जाम निकाल लेंगे, पीटी निकाल लेंगे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको गिरा देगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है और आप अपने वर्क पर ध्यान देना है, यानी कहने मतलब कंटिन्यू वर्क करना है, कंटिन्यू दौड़ लगाना है। दोस्तों, उसके लिए हम बताएंगे, जैसे आप कोई भी काम करते हैं, आप शरीर के साथ साथ अगर थोड़ा इसका यूज कर लेते हैं तो जरूर आप वहाँ पे सक्सेस होते हैं। लेकिन इसका यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे हम तो बाहुबली हैं, हम तो दौड़ निकाल ही लेंगे, तो वहाँ कहीं कहीं आप फंस जाएंगे, आपका रिजल्ट रुक जाएगा। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कैसे पीटी को निकालना है। दोस्तों, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, आपको पता होगा कि पहले मेरा अगर पीटी है तो कितना कितना क्या क्या है, ये चीज़ आपको पता होगा। मेल कैंडिडेट के लिए 35 केजी वजन को लेकर के 100 मीटर की दूरी को तय करना है, वो भी 2 मिनट में, और फीमेल के लिए 20 केजी को लेकर के 100 मीटर की दूरी को 2 मिनट में। मेल के लिए जो रनिंग है दोस्तों, 1000 का मीटर है, 1000 मीटर की डिस्टेंस को 4 मिनट 15 सेकंड में तय करना है और फीमेल में 5 मिनट 40 सेकंड में तय करना है। दोस्तों, यहां पर हम बताएंगे, देखो अभी तक आप पढ़ाई कर रहे थे, जब इंसान नॉर्मल इंसान जब बैठे रहते हैं तो ब्रीथिंग जो होता है उसका ब्रीथिंग दर मतलब कि कम होता है, नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं वो। लेकिन जब आप हार्ड वर्क करने लगते हैं तो आपका ब्रीथिंग दर बढ़ जाता है, इसमें क्या होता है, आपका सांस फूलने लगता है। तो दोस्तों, हम यही बताने आए हैं आपको कि कैसे आपको पीटी को क्रैक करना है। देखो, जब आप दना गौर करना, आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपका शरीर सब या ये मांसपेशी सब, या फिर आप रनिंग करते हैं तो आपका पैर के जो मांसपेशी है वो दर्द देने लगता है। वजह क्या है, लैक्टिक अम्ल, आप लोग पढ़े भी होंगे, लैक्टिक अम्ल जब आपके शरीर में उत्पन्न होने लगता है, यानी कि ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो फिर आपके शरीर मांसपेशी दर्द होने लगता है। दोस्तों, इसको खत्म करना है। अगर आप कंटिन्यू अगर आप दौड़ने जा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जा रहे हैं, अगर अचानक जाएंगे तो इसको आप फॉलो मत करना। 1000 मीटर की दूरी को 4 मिनट 15 सेकंड में ये फॉलो मत करना। पहले आप धीरे धीरे रनिंग करना। जब धीरे धीरे रनिंग करेंगे तो वहाँ पर आपका जो ये मतलब श्वास लेने की क्षमता है ये बचेगा, यानी कि दोस्तों आपका जो ये जैसे होता है श्वसन फूलने लगता है, वो चीज़ धीरे धीरे कम होगा। क्योंकि आपके शरीर में लैक्टेट, ध्यान रखिएगा, लैक्टेट थ्रेशोल्ड जो है ये बढ़ने लगता है। जब आपके शरीर में लैक्टेट थ्रेशोल्ड बढ़ने लगेगा तो आपकी मांसपेशी का दर्द जो है घटने लगेगा, क्योंकि वहाँ लैक्टिक अम्ल कम उत्पन्न होता है, जिसके वजह से दर्द कम होता है या नाममात्र के बराबर होता है। दोस्तों, ये चीज तभी होगा जब आपका शरीर की सहनशीलता या क्षमता बढ़ जाएगा, और ये तभी बढ़ेगा जब आप धीरे धीरे वर्क करेंगे। ये नहीं कि गए अचानक से गए फील्ड में और इसको 1000 मीटर की दूरी को 4 मिनट 15 सेकंड में फॉलो करना स्टार्ट, ले दरादर घोड़ा की दौड़ दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। बोलते हैं सर्दी जुकाम हो जाना। देखो, जिस कैंडिडेट का रिजल्ट हो गया है वो सीरियस मत होना, वो दिमाग से काम लो, वो फील्ड में जाओ, ठीक ना, फील्ड में जाओ। देखो, अचानक से आप इस तरह दौड़ने लगेंगे तो आपका इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाएगा, यानी कि श्वसन क्षमता, देखो जिसके शरीर में श्वसन क्षमता यानी कि ऑक्सीजन लेवल बढ़िया रहेगा उसका इम्यूनिटी पावर बढ़िया होगा, आपको पता है। जब श्वसन ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा शरीर में, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छा होगा तो उसी में ऑक्सीजन मिला हुआ है, जिससे आपको ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा और ज़्यादा काम करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों, अगर आप पहले से जा करके फास्ट दौड़ना चालू कर देंगे तो श्वसन दर जो है कम हो जाएगा, ऑक्सीजन जाना कम हो जाएगा, तो शरीर में दर्द होना चालू कर जाएगा, आपको ऊर्जा उतना मिलेगा नहीं, आप काम कर पाएंगे नहीं, आपका स्वास्थ्य इम्यूनिटी पावर कमजोर होगा, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, फिर मेडिकल करते रहना, दवाई खाते रहना, हो जाएगा पीटी निकल जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना, आप फील्ड में जाना, आप आराम से पहले एक ट्रैक होगा, एक ट्रैक होगा दोस्तों, इस ट्रैक पे आप दौड़ना, आराम से दौड़ो, उस आपका जो श्वसन दर है लेने की जो छोड़ने की और लेने की जो है इसको बढ़ाना है, आपका जो सांस फूलने लगता है उसको बचाना है, आपके शरीर की जो सहनशीलता है इसको बढ़ाना है। जब ये चीज बढ़ेगा, सहनशीलता बढ़ेगा, आपकी क्षमता बढ़ेगा, तो लैक्टेट थ्रेशोल्ड बढ़ेगा। लैक्टेट थ्रेशोल्ड जब बढ़ेगा तो आप जो है क्या करेंगे, आपकी क्षमता बढ़ रहा है, यानी कि आपके शरीर में दर्द कम होगा, दर्द कम होगा तो जाहिर है इंसान भागेगा घोड़ा की रफ्तार में। इसीलिए क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, लैक्टेट
इलेक्टेड थ्रेशोल्ड जो है इसको बढ़ाना है, उसके लिए नॉर्मल दौड़ना। देखो एक से एक सप्ताह का रूटीन बनाओ, एक से लेकर के पाँच दिन तक हमको नॉर्मल दौड़ना है, एकदम नॉर्मल दौड़ना। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाना। इस तरह जब पाँच दिन हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, आपको रफ्तार और बढ़ाना है। थोड़ा नहीं होगा तो सुबह शाम कर देना, मॉर्निंग कर देना इवनिंग। ज़्यादा हेडेक मत लेना, आपको पता है ये पीटी निकालना आसान है, ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग कर देना। और एक चीज़ ध्यान रखना, इस टाइम अगर आप जैसे आयरन से रिलेटेड फूड लेते हैं, जैसे हो गया पालक सब लेते हैं, तो ये आपके शरीर में जो दर्द होगा वो चीज़ को थोड़ा कम करेगा, या फिर ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने में मदद करेगा। आप ये नहीं कि सिर्फ दौड़ेंगे डाइट नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन लेवल में कम होगा। ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखने के लिए थोड़ा आयरन की मात्रा, जैसे आपको बताया अभी हम, ये आपका क्या पालक ले लेना, पालक सब ले लेना, और अंकुरित चना जैसे होता है, मूंग होता है, ठीक है, वो सब लेना। तो दोस्तों इस तरह से आपको दौड़ के साथ साथ अपने डाइट पे भी ध्यान रखना है, ठीक ना, डाइट भी लीजिए, दौड़ भी कीजिए, और दौड़ जो करना है उस हिसाब से करना है जिस हिसाब से बताएं, इस हिसाब से कीजिए, आपका पीटी निकलेगा 100% निकलेगा, ठीक है। महिला फीमेल जो है, फीमेल कैंडिडेट के लिए सेम प्रोसेस है, तो आपको भी वैसा ही करना है। और कोई भी क्षमता, देखो एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, एक जो रोड किनारे बच्चा जो झोपड़ी झुग्गी दे करके रहते हैं, उसका बच्चा पुत्र देखना, ठंडी में बारिश में खेलते हैं, उसको सर्दी जुकाम नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर मजबूत हो गया, क्योंकि वो ऐसा ही परिवेश में रहा है। अब जो बच्चा एसी में रहा है उसको अचानक छोड़ देगा तो उसका क्या होगा, हालत आपको पता है, समझ रहे, क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर कमजोर है, क्योंकि उसका उस परिवेश में ऐसा रखा नहीं गया, उसी तरह आपका भी वैसा परिवेश नहीं है, आपने क्या किया, स्टडी किया, बैठ के पढ़ाई किया, वैसा परिवेश बनाओ, पहले वैसा माहौल बनाओ आपके शरीर का, ना कि अपने दोस्तों का। आप अपने शरीर को वैसे वातावरण में पहले ढालो, जब वैसा ढाल लेंगे तब धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाना है। दैट्स क्लियर दोस्तों, आपका पीटी निकलेगा 100% नहीं, 110% गारंटी है इस वे में अगर आप काम करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, पहले जाना, पाँच दिन तक नॉर्मल दौड़ना, धीरे धीरे बढ़ाना, छठा दिन सातवां दिन और बढ़ाना, उसके बाद आप टाइमर लगा करके दौड़ना, टाइमर को फॉलो करना, लेकिन जैसे ही जाएंगे टाइमर नहीं, पहले रनिंग कर लेना उसके बाद टाइमर लगाना, पहले रनिंग कर देना उसके बाद टाइमर लगाना। जब 15 दिन बच जाएगा, 20 दिन बच जाएगा, अभी तो डेट दिया नहीं है, 15 दिन 20 दिन जब बच जाएगा तब इस टाइमर को कंटिन्यू फॉलो करना, उसी टाइमर में दौड़ना, और सुबह शाम उसके बाद क्या करना है, दौड़ने के बाद टहलना है और कुछ नहीं करना है। दस क्लियर, आपका पीटी निकलेगा 100% नहीं, 110% बोल रहे पीटी निकलेगा। थैंक यू दोस्तों, इतना ही बोलना था आज, और उम्मीद करेंगे इस सारी चीज़ आप लोग समझे होंगे और फॉलो भी करेंगे। और जो भी कैंडिडेट भटक रहे हैं, हमेशा बोलते हैं, वहाँ तक इस चैनल को जरूर पहुँचाइए, जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।